हेलो गाइस वेलकम टू कॉन स्टडी गाइज़ आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट टू इससे पहले हमने एवरेज के बेसिक किए थे उसमें मैंने बताया था कैसे आप डेविएशन मेथड से इजीली एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इस लेक्चर में हम उसके एप्लीकेशंस करेंगे एवरेज की कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एवरेज के आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे क्लास फोर्थ के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं इसके लिए इसमें दी हुई तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ नाइन नंबर्स इज़ फिफ्टी द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव इज़ फिफ्टी फोर एंड दैट ऑफ लास्ट थ्री इज़ फिफ्टी टू देखिए लास्ट लेक्चर में हमने किया था ऐसा ही क्वेश्चन फिफ्टी एवरेज दी हुई है और ये कितनी की दी हुई है नाइन नंबर्स की एवरेज फिफ्टी दी हुई है फिफ्टी फोर दी हुई है फाइव नंबर्स की और फिफ्टी टू दी है कितने नंबर्स की थ्री नंबर्स की तो देखिए अब हम डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन कितनी आएगा फोर आएगा यहाँ पे तो इंटू फोर इंटू फाइव ठीक है यहाँ पे कितना डेविएशन आएगा कितना डेविएशन है टू टू इंटू थ्री तो हमारा डेविएशन कितना बना फोर इंटू फाइव प्लस टू इंटू थ्री ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो हमारा क्या वैल्यू है यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स अब देखिए मैंने बताया था कि जब हमें लास्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है ये प्लस की वैल्यू आई थी क्योंकि फिफ्टी के साथ यहाँ पे फिफ्टी फोर था और फिफ्टी टू था तो ये डेविएशन प्लस फोर आ रही थी प्लस टू आ रही थी इसको जब फाइव के साथ किया ट्वेंटी इसको जब थ्री के साथ किया तो सिक्स ट्वेंटी सिक्स बट हमें जब नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी गिवन एवरेज दी होगी सारे नंबर्स की तो ये कैसे आएगा फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ठीक है तो जो हमारा सिक्स नंबर उन्होंने पूछा था उसकी वैल्यू आएगी ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द एवरेज ऑफ एट नंबर नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई एट दैन द न्यू सेट ऑफ द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ न्यू नंबर तो देखिए क्या होगा सपोज़ हमारे पास कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं हम यहाँ पे कुछ भी नंबर सपोज मैं नंबर एज्यूम कर लेता हूँ एट नंबर्स का एवरेज उसने दिया है ट्वेंटी वन तो मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे एट मतलब डब्ल्यू कुछ भी दिया हुआ एट नंबर्स दिए हुए हैं अब उसने बोला है इनका एवरेज है कितना ट्वेंटी वन तो एवरेज क्या होगा सम डिवाइडेड बाय टोटल है ना तो एक चीज़ तो ये आई एक्स प्लस वाई प्लस डैश डैश डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एट ठीक है अब इसने बोला है कि हर नंबर को एट से मल्टीप्लाई किया हुआ तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी नंबर को एट से मल्टीप्लाई कि, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा सारे नंबर्स को तो उसका एवरेज जो होगा उनका जो एवरेज होगा वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यों सपोज मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना इसका एवरेज कैसे आएगा सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ठीक है सिक्स टेन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट तो जो भी इसकी एवरेज है कितनी आई फोर पॉइंट फाइव अगर मैं बोलूँ कि मैंने इन सारे नंबर्स को एट से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे क्या होगा इंटू एट हो जाएगा है ना यहाँ पे क्या होगा इंटू एट हो जाएगा जब सारों को एट से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा एट कॉमन आएगा इन सब में तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एट तो क्या बना थर्टी सिक्स तो क्या मतलब हुआ इसका जब भी किसी नंबर को किसी नंबर एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया होगा तो जो एवरेज दी होगी न्यू सेट ऑफ नंबर्स की वो भी क्या होगी अगर मल्टीप्लाई दिया होगा तो मल्टीप्लाई अगर डिवाइड दिया होगा तो डिवाइड होगी ठीक है तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन में आएगा ट्वेंटी वन एवरेज था तो मल्टीप्लाई बाय एट वन सिक्सटी एट बस आप इतना याद रखिए कि जब भी किसी नंबर्स में मल्टीप्लाई किया हो एवरेज को या डिवाइड किया हो तो एवरेज जो न्यू एवरेज आएगी वो भी उस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द एवरेज ऑफ सेवन कंजीक्यूटिव नंबर इज़ ट्वेंटी द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज सात नंबर्स ऐसे हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है ट्वेंटी तो कंजीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ जो एक के बाद एक आते हैं जैसे कंजीक्यूटिव नंबर है मेरे वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये क्या है कंजीक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं अब देखिए सेवन कंजीक्यूटिव नंबर का एवरेज दिया हुआ है ट्वेंटी तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब देखिए कि अगर ये पांच कन्जीक्यूटिव नंबर्स हैं तो पांच नंबर अगर मैं इनकी एवरेज फाइंड आउट करता हूँ तो कितनी आती है डिवाइडेड बाय फाइव बारह और ये फिफ्टीन तो इनकी एवरेज क्या आई थ्री ठीक है तो जब भी आपको कन्जीक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे कोई भी ऑड नंबर्स जैसे यहाँ पे सेवन है तो उनकी एवरेज क्या आती है जो उनका मिडल नंबर होता है ठीक है तो यहाँ पे हमेशा यही होगा जब भी कन्जीक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे वो जो ऑड दिन नंबर दिए होंगे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं सात नंबर हैं तो ये कितना हुआ ऑड नंबर हुआ तो इनका एवरेज क्या होगा इनका बीच वाला नंबर तो मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्शन कर सकता हूँ ये सात नंबर थे मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा ट्वेंटी क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया कि जब कंजिक्यूटिव नंबर्स दिए हों तब उनका एवरेज क्या होता है बीच वाला नंबर तो इसके बाद पहले क्या आएगा नाइनटीन एटीन सेवेंटीन बाद में ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो लार्जेस्ट नंबर क्या आता है इसका ट्वेंटी थ्री ठीक है ये तो हुआ ऑड के केस में सपोज़ यहाँ पे इसने बोला होता एवरेज ऑफ आव सिक्स कन्जिक्यूटिव नंबर है ट्वेंटी तो बताओ लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या आता तो देखिए जब छः नंबर दिए हों यहाँ पे सपोज़ मैं ये जूम करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे क्या होगा सिक्स ट्वेंटी वन तो यहाँ पे क्या हुआ थ्री पॉइंट फाइव इसका एवरेज आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एवरेज होता है ये कौन सा एवरेज होगा ये जो मिडल नंबर्स हैं इन दोनों का एवरेज ठीक है देखिए कैसे क्या नंबर थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू भी कितना आ रहा था थ्री पॉइंट फाइव तो हमें ज़्यादा लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है जब इवन में पूछा हो क्या करेंगे जो भी मिडल कन्जिक्यूटिव हों को टू से डिवाइड कर देंगे उनका एवरेज निकाल देंगे ठीक है एवरेज ऑफ फर्स्ट नाइन प्राइम नंबर सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या वन से ठीक है और प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं टू से टू थ्री फाइव सेवन इलेवन और कितने बोले उन्होंने फर्स्ट नाइन तो कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ठीक है और ये ट्वेंटी थ्री ये हो गए टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री तो इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नाइन करना तो इसका आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या है अब ये क्वेश्चन देखिए द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज रुपीज वन फोर ट्रिपल जीरो एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज वन फाइव सिक्स डबल जीरो एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज वन फोर फोर जीरो जीरो दैन द इनकम ऑफ सी इज देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें दो वेरिएबल्स की पहले इनकम दी है फिर उसके बाद नेक्स्ट दो की दे दी फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाले की तो यहाँ पे क्या होगा तो एवरेज इनकास्ट ए एंड सी ठीक है ना कि बी तो ए और बी की दी फिर बी और सी और फिर ए और सी की तो इसमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए तो ठीक है तो ये क्या बनेगा तीनों का जब हम एडिशन करेंगे वन फोर ट्रिपल ज़ीरो प्लस वन फाइव सिक्स डबल ज़ीरो और लास्ट में क्या बना वन फोर फोर डबल ज़ीरो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये तो ट्रिपल ज़ीरो था ये जीरो 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 हम डायरेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो ज़ीरो ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल सिक्स और फोर टेन फाइव फाइव टेन और फोर फोर्टीन वन टू थ्री और फोर फोर्टी फोर थाउजेंड तो इसमें क्या बना फोर्टी फोर तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस तो अगर यहां पर फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है तो अगर यहाँ पे कितने ए बन रहे हैं दो दो बी बन रहे दो सी बन, बन रहे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई टू जो यहाँ पे टू आता उसको मैं नीचे लेके चला गया तो इसका आंसर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्वेंटी टू थाउजेंड तो ट्वेंटी टू थाउजेंड हमारे पास आ गई अब उसने बोला है सी की इनकम तो गाइस एक चीज़ देखिए कि ए प्लस बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है यहाँ पे और अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू को फोर्टीन थाउजेंड पुट करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी ट्वेंटी टू थाउजेंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड तो वो कितना होता है एट थाउजेंड ठीक है तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा एट थाउजेंड कैसे किया हमने तीनों के ऐड किया इनकम को और फिर ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अगर हमें वो ए प्लस बी की दी हुई है बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों की दी हुई है तो हम इजीली किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि सिर्फ इसकी सी की बी की वैल्यू की भी निकाल सकते थे और ए की भी इसी मेथड से तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑफ द द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज इज फर्स्ट ऑफ ऑफ सम द अदर तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इजी होते हैं बट इनको थोड़ा सा समझना होता है आपको देखिए तीन नंबर्स हमारे पास हैं एक्स वाई जेड ठीक है अब उसने बोला है तीन नंबर्स का जिनका एवरेज है कितना सिक्सटी तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन थ्री इज इकल टू सिक्सटी और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आया वन एटी ठीक है 180, क्या सम आता है इनका वन एटी तो हमें ये चीज़ यूज़ होगी और देखिए ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इज वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ द अदर्स ठीक है जो फर्स्ट नंबर है एक्स वो कितना है वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ द अदर्स एक्स की वैल्यू क्या हुई वन बाई फोर ऑफ वाई प्लस जेड ठीक है सेकेंड ये वो लाइन थी इसमें उसने क्या दिया है एक्स इक्वल टू वन बाय फोर ऑफ वाई प्लस जेड ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर एक्स की वैल्यू कितनी आई वाई प्लस जेड एक वैल्यू हमें ये मिल गई एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन एटी उसने फर्स्ट नंबर की वैल्यू पूछी है अगर मैं वाई प्लस जेड को इस वाले को फोर एक्स रखूँ तो ये क्या आता है एक्स प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू वन एटी है ना एक्स प्लस फोर एक्स मेरा क्या आएगा ये दिया हुआ था एक्स प्लस फाइव प्लस दैट इज इक्वल टू वन एटी तो अगर मैं इसको रखूँ फोर एक्स तो एक्स प्लस फोर एक्स मेरा कितना आएगा वन एटी तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई वन एटी डिवाइडेड बाई फाइव जो होगा थर्टी सिक्स तो यहाँ पे थर्टी सिक्स इसका आंसर आएगा सिर्फ एक ही लाइन पे हमने ध्यान देना था फर्स्ट इज़ वन फोर्थ ऑफ द सम ऑफ द अदर्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ फोर्टीन स्टूडेंट वॉज कैलकुलेटेड एज सेवेंटी वन वट इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बिन रॉन्गली एंटर्ड एज फोर्टी टू तो ये क्या है फोर्टी टू इंस्टिड ऑफ फिफ्टी सिक्स एंड अनदर एज सेवेंटी फोर इंस्टीड ऑफ थर्टी टू द करेक्ट एवरेज इज तो गई जी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि को कभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हों और उसमें गलती हो गई हो लिखने में ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि रॉन्गली एंटर्ड हैं तो उसकी प्लेस पे न्यू मार्क्स वाले हमें ऐड करने पड़ते हैं सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं उससे हम इसका आंसर निकालते हैं तो देखिए इसकी बेसिक अप्रोच काफ़ी लंबी है तो आपको बेसिक अप्रोच से बिल्कुल नहीं करना ये क्वेश्चन आपको जो भी सिंपल अप्रोच होगी वो अभी मैं बताऊँगा तो देखिए एवरेज फोर्टीन स्टूडेंट्स का उन्होंने दिया हुआ तो है सेवेंटी वन तो सपोज़ फोर्टीन स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज दिया है सेवनटी वन अब उसने बोला है कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं वो फोर्टी टू एंटर कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ फिफ्टी सिक्स उस बच्चे के फिफ्टी सिक्स मार्क्स थे बट उसको फिफ फोर्टी टू एंटर कर दिए हैं मतलब उसको फिफ्टी सिक्स मार्क्स लिखने थे बट उसको कितने एंटर कर दिए हैं फोर्टी टू मतलब उसको फोर्टीन मार्क्स कम लिखे हैं उसके ठीक है और अनदर एज सेवेंटी फोर ऑफ थर्टी टू और दूसरे वाले के कितने लिख दिए हुए सेवेंटी फोर जबकि उसको आने थे थर्टी टू तो सेवन थर्टी टू माइनस सेवेंटी फोर कितना होगा माइनस फोर्टी टू ठीक है तो अब ये जो दोनों चीज़ें आई हैं ठीक है थीके? इन दोनों को हम ऐड करेंगे ठीक है तो ऐड कैसे एक था फोर्टीन और दूसरा था माइनस फोर्टी टू तो ये कितना बना माइनस ट्वेंटी एट साइन के साथ ऐड किया तो माइनस ट्वेंटी एट अब देखिए जो ये डिफरेंस आया जो भी हमारी डेविएशन आई ये कितने स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगी कितने स्टूडेंट्स की एवरेज को फोर्टीन स्टूडेंट्स के ठीक है तो हम इसको क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से तो ये क्या आएगा माइनस टू और ये जो माइनस टू है ये हमारा एवरेज से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेवेंटी वन माइनस टू इज इक्वल टू सिक्सटी नाइन ठीक है तो हमारी करेक्ट एवरेज क्या आएगी सिक्सटी नाइन कैसे किया जो उसके ओरिजिनल मार्क्स थे वो हमने क्या किए लिखे फिफ्टी सिक्स थे फर्स्ट में और लिखे क्या थे फोर्टी टू बट उसको कितना घाटा हुआ यहाँ पे फोर्टीन का सेकंड में थर्टी टू उसको देने थे बट वो लिख गए सेवेंटी फोर तो यहाँ पे कितना घाटा हुआ उसको माइनस फोर्टी टू का जब मैंने इनको देखा कि उसको कितने मार्क्स ज़्यादा मिले हुए हैं ठीक है कितने मार्क्स उसको ज़्यादा मिले तो मुझे पता लगा कि माइनस ट्वेंटी उसको ज़्यादा मिले हुए हैं तो इस टू फो ये ट्वेंटी एट कितने बच्चों को मार्क्स बटे थे फोर्टीन बच्चे को तो एक बच्चे को कितना मार्क्स बचा बटा होगा एवरेज से ट्वेंटी एट बाय फोर्टीन तो ये कितना आएगा माइनस टू और इसको हमने जो ओरिजिनल एवरेज था उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आंसर बना सिक्सटी नाइन तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द तो एवरेज ऑफ आव ए बी एंड सी इज़ एटी फोर के जी डी जॉइंट्स एंड एवरेज वेट ऑफ फोर बिकम्स एट्टी के जी ये वेट ऑफ इफ़ ई वेट इज थ्री के जी मोर दैन दैट ऑफ डी रिप्लेस ए दैन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम सेवेंटी नाइन के जी तो बताना है वेट कितना है ए का तो देखिए जो हमारी बेसिक अप्रोच होती है उसमें हम क्या करते हैं अगर हमारे पास दिया हुआ है ए बी और सी का एवरेज तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा एट्टी फोर इंटू थ्री क्योंकि ये थ्री नीचे आएगा तो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई तो कितना बनाइए टू फिफ्टी टू ठीक है अब उन्होंने बोला अगर डी ने उनको ज्वाइन कर लिया तो उसका उनका एवरेज वेट कितना बन गया एट्टी के जी तो देखिए डी जब हम इनको ज्वाइन करवाएंगे इसके साथ तो उसका वेट कितना बना एट एट्टी के जी बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा एट्टी इंटू फोर थ्री ट्वेंटी ठीक है तो इस देखिए ए प्लस बी का वेट था टू फिफ्टी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वेट था थ्री ट्वेंटी तो D का वेट यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा अगर मैं यहां पे 252 पुट करूंगा तो तो D का वेट यहाँ पे कितना आएगा 68 ठीक है D का वेट आया 68 एट के जी तो एक चीज हमें मिली कि D का वेट कितना है 68। अब उन्होंने बोला है कि E हुज वेट इज थ्री के जी मोर देन डी तो ई e का वेट कितना हो गया सेवेंटी ठीक है रिप्लेसेस ए द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम सेवेंटी नाइन के जी तो उन्होंने बोला है एवरेज वेट ऑफ बी सी डी और की e ई का कितना हुआ सेवेंटी नाइन तो ये कितना आएगा थ्री वन सिक्स के जी ठीक है यहाँ पे बी किसका e का ई का सेवेंटी वन दिया हुआ है बी सी डी और ई e का कितना आएगा थ्री वन सिक्स के जी अगर हमें यहाँ पे बी सी और डी का वेट निकालना हो ईजिली निकाल सकते हैं ये वाली वैल्यू पुट करके तो बी प्लस सी प्लस डी का वेट कितना तो हमें कौन कौन सा वेट मिला डी का वेट मिला ई e का मिल गया अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ए का वेट तो ए के वेट के लिए हम क्या करेंगे फिर से फर्स्ट वाली इक्वेशन पे जाएंगे जो हमने निकाली थी फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या किया था ए प्लस बी प्लस सी का उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का निकाला फिर बी प्लस सी प्लस डी का निकाला और लास्ट में ई e का वेट हमने फाइंड आउट कर लिया है ठीक है तो इसमें जो क्वेश्चन था इसमें ई e का वेट पूछा हुआ था सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट आई इसमें क्वेश्चन में ई e का वेट पूछा हुआ था तो ई e का वेट कितना आएगा टू फोर्टी फाइव के जी तो आपके लिए एक टास्क है कि इसमें मुझे आप आपने मुझे बताना है ए का वेट फाइंड आउट करके ये दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के एक मैंने करवाया है ई का आपको ए का वेट फाइंड आउट करना है इसमें कि ए का वेट क्या होगा इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में बताना द मीन ऑफ फिफ्टी नंबर इट वॉज डिस्कवर दैट टू एंट्रीज वर रॉन्गली एंटर्ड वालंटेडी टू एंड थर्टीन इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी एट एंड थर्टी वन फाइंड द करेक्ट एवरेज तो वही क्वेश्चन है कि रॉन्गली एंटर्ड है कभी कभी मार्क्स दे दिए जाते हैं कभी कभी ऐसे डाटा दे दिए जाएगा कि फिफ्टी नंबर्स का थर्टी दिया हुआ है और उन्होंने बोला कि दो नंबर्स को उन्होंने गलत पुट कर दिया हुआ है एट्टी टू और थर्टीन पुट किया है करना कितना था ट्वेंटी एट और थर्टी वन पहले हम देखेंगे कि वो कितना पुट कर गया उसने किया एट्टी टू प्लस थर्टीन तो कितना हुआ ये नाइन्टी फाइव करना कितना चाहिए था उसको ट्वेंटी वन प्लस थर्टी वन तो ये कितना बना फिफ्टी नाइन अब देखिए वो ज़्यादा ये वाला उसने किया है और ये उसको करना चाहिए था तो इसका मतलब वेट ज़्यादा पुट हो गया उससे तो एक्स्ट्रा वेट कितना पुट कर गया वो ये सप्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से तो ये कितना आएगा कितना आएगा फिफ्टी नाइन माइनस नाइन्टी फाइव जब हम करते हैं तो कितना आता है माइनस थर्टी सिक्स तो गाइस ये एक चीज़ हमेशा ध्यान से ध्यान देना कि जो वेट एक्चुअल होता है उसमें से वो वाला सप्ट्रैक्ट करते हैं जो उसने गलती से किया होता है ठीक है एक्चुअल में से गलती वाला करते हैं तो यहाँ पे ये जो वेट है ये माइनस थर्टी थर्टी सिक्स ज़्यादा ऐड हुआ था तो ये थर्टी सिक्स कितने बच्चों में डिवाइड होगा 50 में तो हम इसका देखेंगे कि 50 में कैसे डिवाइड होगा माइनस थर्टी सिक्स बाई फिफ्टी तो माइनस थर्टी सिक्स बाई फिफ्टी है जो वो आता है जीरो पॉइंट सेवन टू ठीक है और मैंने बताया कि इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है ये माइनस आएगा तो इसको एवरेज में से सप्ट्रैक्ट करेंगे थर्टी माइनस पॉइंट सेवन टू वो आएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू एट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पर्सन इज इंक्रीज बाय वन के जी वेन वन मैन वेइंग सिक्सटी के जी इज रिप्लेस बाय अ न्यू पर्सन वेट ऑफ न्यू पर्सन ट्वेंटी फाइव पर्सन का एवरेज वेट है वो एक के जी से इंक्रीज हुआ जब उनमें से एक आदमी जो सिक्सटी के जी का था वो रिप्लेस हुआ है न्यू पर्सन से तो गाइज ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वेट बताओ कि एक बंदे के जाने से कितना वेट कम या ज़्यादा होता है एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है या फिर न्यू पर्सन का वेट बताओ तो इसमें देखिए क्या करते हैं सपोज़ ट्वेंटी फाइव पर्सन है इसका वेट दिया हुआ है एक्स है न? तो उसके बाद क्या बना यहाँ पे भी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हैं उनका वेट भी कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वन ठीक है तो क्या हुआ जब यहाँ से एक बंदा निकला यहाँ से और उसकी प्लेस पे एक दूसरा बंदा ऐड किया यहाँ से कौन सा निकला सिक्सटी यहाँ पे दूसरा बंदा ऐड हुआ तो उसकी वजह से एक वेट इंक्रीज़ हो गया तो गाइज़ अब ये जो वेट इंक्रीज़ हुआ है एवरेज का एवरेज इंक्रीज़ हुई है ये कितनी हुई है वन इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब कि वन जो इंक्रीज़ हुआ है वो पच्चीस बच पच्चीस लोगों के लिए होगा जो भी सारे थे तो इसका मतलब जो सिक्सटी वाला था उससे वो कितना ज़्यादा होगा ट्वेंटी फाइव क्यों ज़्यादा होगा क्योंकि उस पच्चीस बंदों के वेट को उसने इनक्रीज़ किया है जो नेक्स्ट वाला बंदा आया कैसे ट्वेंटी फाइव का वेट था एक्स ट्वेंटी फाइव का एक्स प्लस वन है ना यहाँ से कितना वेट वाला गया सिक्सटी वाला और यहाँ पे कोई नया आया जब ये गया तो इसकी वजह से वेट रिड्यूस होगा और इसकी वजह से क्या हुआ वेट ऐड हुआ एवरेज ऐड हुई तो वो कितनी ऐड हुई सिक्सटी प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हुआ वो एट्टी फाइव तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है फाइव ईयर्स अ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ वॉज ट्वेंटी थ्री ईयर्स एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज ट्वेंटी हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है और ये वाला क्वेश्चन भी तो ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताने हैं इनके आंसर तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अदर हैंड्स पे भी थैंक यू वेरी मच